Assalamualaikum viewers and welcome back to another vlog. आज के vlog का scene कुछ ऐसा कि यार आज के vlog में आपका भाई आपको दिखाने लगा भाई Toyota Premio 2018 model है और क्या कमाल किस्म की गाड़ी, आपको proper detail से दिखाता हूँ भाई. Let's start with the front. यार क्या beauty है भाई, आप check out करो इसकी कुछ look. यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत look है और ये नई shape वाली है भाई, Premio है भाई, बहुत ही ज़्यादा फ्रंट तो इसका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है. लेट्स स्टार्ट विद द हेडलैम्प्स. हेडलैम्प की तरफ आते हैं भाई, प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें मौजूद है और आप इसकी DRL चेकआउट करो यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत DRL इसमें मौजूद है यार. उसके साथ साथ ये अंदर जो आपको अल्यूमिनियम फिनिश दी गई बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रही है. उसके साथ क्रोम के हाईलाइट्स आपको इसके प्रोजेक्टर के अराउंड पर मिल जाएंगे. पियानो ब्लैक फिनिश इसमें दी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. बाकी मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. बाकी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स मौजूद है. इसकी ग्रिल की तरफ आते हैं तो जैसे कि हम देखते हैं भाई क्राउन में काफ़ी बड़ी टाइप की ग्रिल आती है, बट अब प्रीमियम में भी बड़ी ग्रिल आने लग गई है भाई, ठीक है. बहुत ही खूबसूरत ग्रिल है, डुअल टोन के साथ है, ग्रे प्लस आपको क्रोम की फिनिश के साथ इसकी ग्रिल मिलेगी और सेंटर में गोल्ड का लोगो दिया गया जो कि बेसिकली प्रीमियम का लोगो है, ठीक है, इसको गोल्ड कर दिया. बाकी नीचे आते हैं फॉग लैम्प की तरफ तो आप इसके फॉग लैम्प चेकआउट कर सकते हो. साउंड पे आपको सबसे पहले भाई नीचे मैट फिनिश मिलेगी, उसके साथ क्रोम के हाईलाइट्स साउंड पे मिलेंगे. नीचे आ जाएं तो नीचे भाई फ्रंट पे आपको कोई लिप वगैरह नहीं दी गई, सिंपल आपको इसकी ग्रिल दी गई है जो कि आप देख सकते हैं मैट ब्लैक फिनिश में है, ठीक है. और फ्रंट आप चेकआउट कर सकते हो, फुल फ्रंट इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्रंट है. अलॉय व्हील्स की तरफ आते हैं, आप इसके अलॉय व्हील का डिज़ाइन देख सकते हो यार, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अलॉय व्हील्स हैं. इसके और की तरफ आओ तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइड टर्न सिग्नल मौजूद है. आते हैं सर इसके डोर हैंडल की तरफ तो आप पहले तो देखो भाई बॉडी कलर, उसके साथ क्रोम के हाईलाइट्स ऊपर मौजूद है. स्मार्ट एंटी सिस्टम इसके डोर पे दिया गया. ओपन करते हैं आपको सर इसका इंटीरियर दिखाते हैं. ये है बस कुछ इसका इंटीरियर, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंटीरियर है. फुल ब्लैकआउट है, छोटे मोटे हाईलाइट दिए गए हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. वुडन ट्रिम का हाईलाइट आपको स्टेयरिंग व्हील में मिल जाएगा. इसके डैशबोर्ड पे दिया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है. बाकी इंटीरियर बैठेंगे तो प्रॉपर डिटेल से दिखाएंगे. ज़रा पहले आपको ज़रा आउटसाइड दिखा दें इसकी कि बाहर से क्या लुक है. बाकी ऊपर एयर पैस वगैरह इंस्टॉल है. रियर जरा हम डोर ओपन करते हैं, आपको रियर का भी डोर की लुक दिखाते हैं कि आप इसका डोर चेकआउट कर सकते हो. और ये है कुछ इसकी रियर सीट्स. बाकी पीछे आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे और फैब्रिक की सीट्स हैं प्रॉपर, स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. सेंटर में हम्प दिया गया है बट ठीक है यार, फिर भी तीन बंदे आराम से बैठ ही सकते हैं. बाकी सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. बेसिकली इसकी जो सीट्स हैं डुअल के साथ हैं, मतलब ये है कि आपको सेंटर में फैब्रिक मिल रहा है और साइडों पर आपको प्रॉपर लेदर दिया गया, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. चलिए इसके डोर को बंद करते हैं, जरा आपको रियर से कुछ इसकी लुक दिखाते हैं भाई, चेकआउट करो. जितना इसका फ्रंट खूबसूरत है इतना ही ज़्यादा इसका रियर खूबसूरत है. ये वो कुछ इसकी फुल लुक है यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आ रही है, ठीक है. रियर पे भी आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं. ज़रा इसके टेल लैम्प की तरफ आते हैं, LED बेस आपको इसमें टेल लैम्प दिए गए हैं. बाकी क्रोम की गार्निशिंग बैक पे मौजूद है, रियर व्यू कैमरा मौजूद है और ऊपर वाइपर दिया गया. बेसिकली सेडान में वाइपर नहीं आता बट जैपनीज जो सेडान होती है उनमें वाइपर भी आता है. स्टॉप लैम्प मौजूद है, ठीक है. इस तरह से आप इसकी कुछ साइड प्रोफाइल देख सकते हो. क्रोम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, बैक पर भी आप चेकआउट कर सकते हो. साइड पर भी आपको क्रोम के हाईलाइट्स दिए गए हैं. ये डोर ओपन करते हैं, ज़रा आपको डोर कार्ड की भी लुक दिखा देते हैं. डोर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, प्रॉपर 90 डिग्री पे ओपन हो रहा है कि अंदर बाय होना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा. बाकी क्रोम का आपको डोर हैंडल मिलेगा, उसके साथ साथ अल्यूमिनियम फिनिश दी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है. बाकी लेदराइट है यहाँ पे, ठीक है. नीचे आपको बॉटल होल्डर स्पीकर मिल जाएगा और उसके साथ ऑटो विंडो है और यहाँ पे आपको वुडन ट्रिम दी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. बाकी मैंने आपको सीट्स वगैरह का तो बता ही दिया है कि लेदर प्लस फैब्रिक में आपको इसकी सीट्स मिलेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है. चलिए मैं कहते हैं फ्रंट डोर की तरफ आएँ तो यहाँ पर यह क्रोम के हाईलाइट्स आपको मिल जाएंगे. उसके साथ स्मार्ट एंट्री सिस्टम पैसेंजर साइड वाली डोर पर भी दिया गया जो कि यार बहुत ही अच्छी बात है. बाकी हम डोर कार्ड की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हैं. बेसिकली इसके जो डोर कार्ड हैं डुअल टोन के साथ ही हैं, आपको ब्लैक प्लस बेज कॉम्बिनेशन दिया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है. बाकी उस तरह आपको डोर ओपनर, पावर विंडो और नीचे आपको बॉटल होल्डर स्पीकर मिलेंगी और इसकी जो विंडोज़ हैं वो चारों की चारों ऑटो हैं भाई, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है. बाकी आप इसका इंटीरियर भी चेकआउट कर सकते हैं, अंदर बैठ के आपको प्रॉपर डिटेल से भी हम दिखा देंगे. बाकी आप इसकी सीट्स की कुछ लुक चेकआउट कर सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक है, ठीक है. ORVM आप चेकआउट कर सकते हो, साइड टर्न सिग्नल के साथ इसके ORVM मौजूद हैं और ये कुछ इसके अलॉय व्हील का डिज़ाइन. फ्रंट लुक की तरफ दोबारा से वापस आते हैं तो यार मुझे खासकर प्रीमियम की जो रियल मज़ा है ना वो इसकी फ्रंट लुक देख के है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक है इसकी फ्रंट से. खासकर रियर से तो यार खूबसूरत प्रीमियम वैसे ही कब से ही है, बट फ्रंट जो है इसका ऑलमोस्ट सारा चेंज हो गया. फ्रंट से लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई इसकी. बाकी वैसे अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और इंटीरियर में जाके देख आ चुके हैं भाई हम प्रीमियम के इंटीरियर में और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंटीरियर है. स्टेयरिंग व्हील की तरफ आते हैं, लेदर राइड आपको मिल जाएगा, ऊपर आपको वुडन ट्रिम दी गई जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है.
आते हैं सेंटर की तरफ तो आपको SRS एयरबैग दिया गया है, मल्टी फंक्शनल इसका स्टीयरिंग व्हील है। ये आप कंट्रोल्स आप चेकआउट कर सकते हो, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरफ लेन डिसेंट असिस्ट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिप को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मीटर की तरफ आते हैं, 180 पे लिमिटेड है, 8000 आपको RPM मिलेगा। सेंटर में आपको स्क्रीन दी गई है जिसपे काफी सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको दिखा रहे हैं कि इसका डोर ओपन है, बाकी यहाँ पे आपको इसकी सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। लुक आप मीटर की चेकआउट करो, सिंपल एंड सोबर है, जैसे कि प्रीमियम में आता है वही डिजाइन को रखा गया भाई। बाकी इस तरफ आ जाए तो आपको वाइपर के कंट्रोल और इस तरफ आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। बाकी ऊपर आते हैं जरा डैशबोर्ड की लुक की तरफ, तो डैशबोर्ड की जो लुक है यार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बाकी आपको डैशबोर्ड पे भी एयरबैग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वुडन ट्रिम दी गई है। ग्लव बॉक्स को ओपन करें तो इसमें भी अच्छी स्पेस मौजूद है। सेंटर में आते हैं, हेडलाइट का बटन मौजूद है, AC वेंट आप देख सकते हैं, क्रोम के हाईलाइट, छोटी छोटी हाईलाइट्स मौजूद है जो काफी अच्छी बात है। बाकी नीचे आते हैं, यहाँ पे भाई आपको मिल जाएगा Kenwood का इसमें एंड्रॉयड सिस्टम, ठीक हो गया। उससे नीचे आते हैं हम, यहाँ पे आपको मिलेगा भाई डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जिसको आप ऑटो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और यहाँ से भाई कुछ हम इसकी स्पेस को भी अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस दी गई है, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, कोई वॉलेट वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं अपना, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उससे पीछे आते हैं भाई, ये है कुछ इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और इसमें 1.5 इंजन आता है, मतलब 1500 CC इंजन आता है, विथ CVT गियर इसमें आता है। बाकी कप होल्डर्स मौजूद हैं, आर्मरेस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप स्लाइड भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी फ्रंट सीट्स की बात करें तो भाई आप सीट इसकी कुछ चेकआउट कर सकते हो भाई, लेदर प्लस फैब्रिक के साथ इसकी सीट्स मौजूद हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होती हैं भाई। बाकी ज़रा हम इस तरफ आ जाएं, यहाँ पे आपको मिलेगा भाई इसके ORVM के कंट्रोल, पुश स्टार्ट आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको वुडन ट्रिम दी गई है, ऊपर AC वेंट के साउंड पे भी आपको उसी तरह अल्मीनियम फिनिश दी गई है, जैसे कि इसके डोर पे भी मौजूद है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है यार, थोड़े से मतलब अट्रैक्टिव लग रही है। बाकी डोर पे ट्यूटर्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। ऊपर आते हैं, ये भी आप मिरर इसका चेकआउट कर सकते हो, क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी सनशेड ओपन करें तो इस पर वेंटिमीटर दिया गया लाइट के साथ, तो इसको बंद कर देते हैं। बाकी ऊपर आपको लाइट्स मिल जाएंगी, चेकआउट कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह भी सनशेड में अगर चेकआउट करें तो अभी वेंटिमीटर दिया गया लाइट के साथ। अब जरा बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की, क्योंकि 2018 मॉडल है और इसकी जो इंटीरियर की शेप है वो 2007 मॉडल प्रीमियो से मिलती जुलती है। यह सीन ये है कि प्रीमियो का जो मतलब ओवरऑल टेक्सचर है ना, वो सेम रखा गया है, ठीक है। उसकी चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, वेल डिफाइंड कर दिया, जैसे कि इसका स्टेयरिंग व्हील आप चेकआउट कर सकते हो, जो नई आजकल गाड़ियों में आ रहा है उस तरह आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा, ठीक है। मीटर सेम रखा गया बट उसको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक कर दिया गया, ठीक है। इधर आ जाते हैं, सेंटर पैनल सेम है बट आपको पियानो ब्लैक फिनिश है, अल्मीनियम फिनिश है, ठीक है। उसके साथ साथ वुडन ट्रिम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पहले दूसरे टाइप की वुडन ट्रिम आती थी, आजकल कुछ इस टाइप की आ रही हैं, तो जैसे जैसे ट्रेंड फॉलो होता है उसी तरह इस गाड़ी में भी वो सारी चीज़ें आती जा रही हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, हर चीज़ में प्रीमियमनेस इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे नया मॉडल आ रहा है तो उसमें आपको थोड़ी प्रीमियमनेस ज़्यादा मिलेगी, आपको क्वालिटी थोड़ी सी बेटर मिलेगी। जैसे होता है ना कि यार आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है तो वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब वेल डिफाइन कर देते हैं कि यार वो बहुत ही ज़्यादा अपनी मतलब लीक में ना आगे निकल जाती है, तो ये उन गाड़ियों में से है, ठीक है। बाकी आप इसकी लुक चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है मुझे तो यार। बाकी मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपको ये प्रीमियम किस तरह की लगी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े किया। बोनेट ओपन करते हैं, आपको जरा इसका इंजन दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं भाई इसकी डिटेल, ठीक हो गया। ये है वो कुछ इसका इंजन बे, ठीक है। इसमें मौजूद है 1NZ FE, जो कि भाई बहुत ही मज़े का इंजन है, और ये CVT ट्रांसमिशन के साथ है, 1.5 लीटर इंजन और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है। प्रीमियो का जो इंजन है ना भाई, उसके बारे में आप कह सकते हो कि वेर रिलायबल। टोयोटा के वैसे भी इंजन सारे रिलायबल होते हैं बट 1NZ FE तो बहुत ही ज़्यादा इनका मशहूर इंजन है, बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन है, इसलिए अभी तक यही प्रीमियो में आ रहा है, ठीक है। बहुत मज़े का इंजन है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, ऊपर से CVT ट्रांसमिशन हो तो भाई मज़े ही अलग हो जाते हैं, गाड़ी की पावर ही मज़े की हो जाती है, ठीक है। 1500 CC बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल इंजन है इसमें, ठीक है। बाकी मुझे भी इंजन यार बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जब भी इस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ मैं कहता हूँ यार भाई चस आ गई, बस यही एक वर्ड निकलता है मुझसे, ठीक है। बाकी वर्ड्स ये है कुछ इसका इंजन में, अब बताता हूँ सर आपको डिटेल। पहले इसका बॉडी बंद करते हैं, फिर आपको डिटेल बताते हैं इसकी। अब आपको बताते हैं इसकी डिटेल। ये है वो टोयोटा प्रीमियो 2018 मॉडल है, और बहुत ही ज़्यादा आला ऑप्शंस के साथ हैं, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, आपको पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको लेन डिस्टेंस बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शन मिल रहे हैं, और खास कर
पीमियो की ये वाली जो शेप है ना भाई, आपके भाई को बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। बाकी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये शेप कैसी लगी है। प्राइस की बात कर लें तो भाई 82 से 85 लाख के दरमियान इसकी प्राइस है, ठीक है। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। अगर आप यही गाड़ी बाई करना चाहते हो या इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट में मिल जाएगा, आप इजीली उनसे बात करके अपनी कोई भी इंक्वायरीज कर सकते हैं। बाकी गाड़ी यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की चीज़ है, ठीक है। प्रीमियम आपको मतलब फुल ऑन पैकेज मिलता है, ठीक है। और ऊपर से इसका जो इंजन है 1.5 लीटर सीवीडी के साथ, बहुत ही पावरफुल इंजन है। और सीवीडी ट्रांसमिशन हो तो आपको भाई ऑटो चलाने की चस तो सीवीडी में आती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मास्टर। चले आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।